दोस्तों बिजली के बारे में एक मजेदार चुटकुला है। जब अमेरिका में बिजली जाती है तो लोग गिनीज बुक देखते हैं कि पिछली बार कौन से सन में गई थी। जब अफगानिस्तान में बिजली जाती है तो लोग मिठाई बांटते हैं, और जब भारत में बिजली जाती है तो लोग छत पर चढ़कर देखते हैं। अगर पड़ोसी के घर आ रही है तो टेंशन बढ़ जाता है, ऐसा कैसे हुआ। लेकिन अगर उसकी भी गई तब खुश होकर कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, जब आना होगा तभी आएगी। ये तो था चुटकुला। अब आते हैं बिजली का वापस। बिजली आज हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इन सभी से परे आज हम आपको बिजली के बारे में बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे इस खतरनाक बिजली को किस तरह से जान पर खेलकर बनाया जाता है। एक छोटी सी चूक लाखों लोगों की जान ले सकती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। बिजली बनाने के पीछे जो नियम है वो है चुंबक के चलने पर बिजली का पैदा होना। विज्ञान का ये सिद्धांत है, जब एक चुंबक को तार से लपेट दिया जाए और चुंबक घूमने लगे तो तार में बिजली बहने लगती है, या फिर एक तार को किसी छड़ पर लपेट दिया जाए तो इसे किसी चुंबक के बीच में रख कर घुमाया जाए तो इन तारों में बिजली बहने लगेगी। 1932 में माइकल फैराडे नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत खोजा था। उन्होंने पाया कि एक तांबे के तार को किसी चुंबक के पास घुमाएं तो उस तार में बिजली बहने लगती है, यानी अगर एक चुंबक और एक तार के बीच अगर गति है तो तार में बिजली पैदा होगी। तार को आप एक बल्ब से जोड़ दें तो ये बल्ब जलने लगेगा। ये आप अपने घर में भी आसानी से कर सकते हैं। घूमते हुए तार को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। इसी नियम को आधार मानकर चलते हैं सारे बिजली घर। अब हमें ये पता चल गया कि बिजली पैदा कैसे होती है, तो हम क्रम से सोचें तो कैसे हम एक बिजली घर बना सकते हैं और हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर वाले नियम को लागू करने के लिए हमें चाहिए बहुत बड़े चुंबक तार जिनमें बिजली का प्रवाह हो सकता है, एक बहुत बड़ी छड़ जिस पर ये तार बंधा हो, और इस छड़ को चलाने के लिए कोई मशीन। घर में आपने किसी बर्तन को कभी ढककर पानी उबाला है? अगर किया है तो देखा होगा पानी उबलने पर ढक्कन या तो गिर जाता है या उछलने लगता है। इसके मतलब ये हुआ कि भाप में ऊर्जा है जो हम किसी भी मशीन को चलाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की शुरुआत इसी तरह उबलते हुए पानी को देखकर की थी, तो फिर क्यों ना हम इसी भाप से अपनी छड़ को चलाएं? पर भाप बनाने के लिए चाहिए बहुत सा पानी, बहुत सा ईंधन। हम अपना बिजली घर ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पानी का स्रोत हो, जैसे कोई बहुत बड़ी झील या नदी। ईंधन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोयला। लीजिए हमारे कोयले से चलने वाले बिजली घर की रूपरेखा तैयार हो रही है। अब देखते हैं असली बिजली घर में ये सब कैसे होता है। कोयले से चलने वाले बिजली घर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, इन्हें थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। इसमें कोयला जलाकर पानी को उबाला जाता है। कोयलों को फर्नेस में जलाया जाता है जिसके ऊपर बॉयलर होता है जहाँ पानी भरा है। कोयला जितना अच्छा होगा उसमें उतनी ज्यादा उष्ण ऊर्जा पैदा होगी, इसलिए कोयले को एकदम पाउडर बना दिया जाता है। पानी भाप बनकर बहुत ही मोटे पाइप से निकलकर टरबाइन में जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि फर्नेस में ही मोटे मोटे पाइप घूमते हैं जिनमें पानी बहता रहता है। ये गर्म होकर भाप बनता है और इन पाइप का एक सिरा टरबाइन से जुड़ा होता है। भाप की ऊर्जा से टरबाइन घूमती है। टरबाइन एक बड़ी सी चक्री होती है जिसमें ब्लेड लगे होते हैं। भाप के वेग से ये जोर से घूमने लगती है। ये जितनी तेज घूमेगी हमारा बिजली वाला तार भी उतनी तेज घूमेगा और उतनी ज्यादा बिजली पैदा होगी। इसलिए इस टरबाइन पर भाप को बहुत ऊंचे दबाव या ऊंचे तापमान से लाया जाता है। टरबाइन हमारी उस छड़ से जुड़ा है जिस पर तार बंधे है और जो चुंबक के बीच में रखा है, इसको जनरेटर कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने जाना किस तरह से बिजली बनाई जाती है, लेकिन इसमें काम करने वाले वर्कर्स बड़ी सावधानी से अपना काम करते हैं। अगर एक छोटी सी भूल हो जाए तो वायर इधर से उधर जुड़ सकता है, एक बार शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, बल्कि लाखों लोगों की जान भी जा सकती है, कितनी जगहों पर आग लगने की संभावना हो सकती है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक गलती की वजह से हो सकती हैं, लेकिन ये वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर ये काम करते हैं और इन्हें बड़े आसानी पूर्वक सावधानी पूर्वक इसे ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।